गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर टू पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट जो चैप्टर है इसका दो क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर बी। और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर सी और डी सोल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है आइए देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी में, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि यह जो स्टेटमेंट्स है वह ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में है, रूट्स ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड। रूट ग्रोज डीप इनटू द ग्राउंड मींस रूट जो है किसी भी पार्ट्स का रूट जमीन के अंदर तक जाता है, काफी अंदर तक जाता है। तो यह रूट सिस्टम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि रूट दो प्रकार का होता है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। लेकिन रूट का जो मेन फंक्शन है वह जमीन के नीचे का ही है। तो यह जमीन के नीचे के तरफ ही बढ़ता है, इसलिए यह स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है। रूट्स ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड वन नंबर का ट्रू हो जाएगा, इसलिए हम लोग वन नंबर का क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। द स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सोइल। हम लोग जानते हैं कि मिट्टी के अंदर से, सोइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करता है वह कौन सा पार्ट्स का काम है, रूट का। ओके, रूट क्या करता है, किसी भी प्लांट के लिए ग्राउंड के नीचे से वाटर और न्यूट्रिशंस को, मिनरल को वह एब्जॉर्ब करता है और पौधा के ऊपर तक, अन्य भागों तक पहुंचाता है। लेकिन यह स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्टेम एब्जॉर्ब यह काम तना करता है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, यह काम करता है रूट, लेकिन इस स्टेटमेंट में दिया है कि द स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सोइल, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। इसलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखेगा, आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है, प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्टोमेटा। पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं, स्टोमेटा के द्वारा। तो हम लोग जैसा इस चैप्टर में पढ़े हैं कि कोई भी प्लांट्स जो है स्टोमेटा के द्वारा ही ब्रेथिंग करता है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थ्री नंबर का क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स विच ग्रोज इनटू फ्रूट्स। अक्सर अधिकतर पौधे जो है में फूल लगते हैं उसके बाद फल लगते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है,
फोर नंबर का क्या हो जाएगा ट्रू, फोर नंबर का क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है फाइव नंबर, द पार्ट द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए बर्ड इनटू ए फ्लावर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए बर्ड, बर्ड मीन्स क्या होता है कली, तो बर्ड का फ्लावर के रूप में खिलना फोटोसिंथेसिस कहलाता है नहीं, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस तो एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाने का काम करता है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो फाइव नंबर का क्या हो गया फॉल्स। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इस पार्ट्स ऑफ द प्लांट का नाम लिखना है जो स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है। तो वन नंबर में है द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, वैसा भाग जो जमीन के नीचे की तरफ बढ़ता है उस पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं रूट सिस्टम। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, डी का वन नंबर का क्या हो जाएगा रूट सिस्टम। ओके नेक्स्ट है द पार्ट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड, मींस जो भाग जमीन के ऊपर की ओर बढ़ता है, द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। क्या हो जाएगा इसमें शूट सिस्टम। सेकेंड नंबर में भरना है शूट सिस्टम, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है द पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, उस पार्ट का नाम बताना है जो पौधा के लिए भोजन बनाने का काम करता है, तो वह कौन सा पार्ट है, पौधा का वह कौन सा भाग है जो पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करता है। क्या हो जाएगा लीफ। थ्री नंबर का द लीफ। नेक्स्ट है फोर नंबर, द पार्ट दैट बिकम्स ए फ्रूट, वह पौधा का कौन सा भाग है जो फल बन जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं कि कोई भी प्लांट जो है, प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, उसके बाद वह फ्लावर जो है फ्रूट के रूप में तैयार होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा द पार्ट दैट बिकम्स ए फ्रूट फ्लावर। क्वेश्चन नंबर फोर का क्या हो जाएगा फ्रूट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, द पार्ट दैट कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट, पौधा का वह भाग जो बेबी प्लांट के लिए फूड को रखता है अपने पास, क्या हो जाएगा सीड। फाइव नंबर का क्या हो जाएगा सीड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी और डी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षेप में इस क्वेश्चन का आंसर देना है जिसको आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा लिख कर उसमें डाल दिया जाएगा और आप लोग उसको उतार लेंगे, या होम असाइनमेंट में भी इस आंसर को लिख के डाल दिया जाएगा, आप लोग
लोग उसे अपने कॉपी वर्क में कर लेंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर सी और डी हुआ, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। Thank you. Have a nice day.